टाइटल ऑफ यूनिट इज टाइम टू रिमेम्बर। सबसे पहले देखते हैं इसके SLOs. जी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास यूनिट नंबर वन है टाइम टू रिमेम्बर। अब ये टाइम टू रिमेम्बर में हम स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मैच साउंड्स टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स पैटर्न्स इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, म ज स ब ठ व र फ ड ख ज ल घ म ख एंड य। प्रैक्टिस अ कंफर्टेबल एंड एफिशिएंट पेंसिल ग्रिप एंड लर्न टू फॉर्म लेटर्स करेक्टली। यानी कि लिखना सीख सकें और आई और हैंड कोऑर्डिनेशन की मदद से पेंसिल को पकड़कर लिख सकें। प्रैक्टिस हैंड राइटिंग पैटर्न्स एंड राइटिंग लेटर्स बोथ कैपिटल एंड स्मॉल विद द करेक्ट फॉर्मेशन। यानी कि जब पेंसिल ग्रिप उनकी बन जाए, आई एंड हैंड फॉर्मेशन अच्छी हो जाए, तो उसके बाद वो लेटर्स को कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में लिख सकें। प्रैक्टिस राइटिंग लेटर्स एंड वर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद रेगुलर स्पेसेस बिटवीन लेटर एंड वर्ड। वो ये जान सकें कि जब भी हमने इंग्लिश लिखनी है तो इंग्लिश हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, और जब भी हम दो वर्ड्स लिखते हैं तो दो वर्ड्स के दरमियान में एक स्पेस होती है। फिल इन मिसिंग इन्फॉर्मेशन टू कंप्लीट सेंटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज डैश। यानी कि उनको जुमले दिए गए होंगे और उसके अंदर जो ब्लैंक स्पेस है उसमें इंफॉर्मेशन को फिल कर सकें, जैसे कि माई नेम इज डैश, माई नेम इज हमना, I live in Lahore। राइट लेटर्स एंड वर्ड्स at an appropriate speed and develop an understanding that a capital letter is for the start of a sentence. ये बात वो जान सकें कि जब भी हम किसी जुमले का आगाज करते हैं तो जुमले का आगाज हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे रिसोर्सेज चाहिए जिसमें हमारी की बुक्स, हमारे वीडियो लेक्चर्स, हमारी स्कीम ऑफ स्टडीज, हमारे लेसन प्लान्स हैं, तो आप गौहर पब्लिशर की वेबसाइट पर जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।